डियर स्टूडेंट्स डियर व्यवर्स असल होप आल ऑफ विल फाइन एंड टोडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर यू द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड समरी ऑफ द पॉय द ब्रुक बाई लॉर्ड एल्फर टैनिसन योज पॉयम है ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं आई है आप देख सकते हैं लेकिन आज पोइम के जो क्वेश्चन हैं उनको देखने से पहले हम इसकी जो ग्रॉसरी हैं फर्स्ट वी वो लुक एट दिस वेरी ग्रॉसरी क्योंकि इसमें जो अल्फाज आए हैं वो बड़े टफ हैं तो वो कोई आम से लफ्ज़ नहीं हैं जो दूसरे पॉइम्स में आते थे शायर ने बड़े डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेशन uh, हैं वो इस पॉइम में डाली हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें दैट इज़ द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ हॉट हॉट मीनज ए प्लेस विजिटड फ्रिकेंटली ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर लोग या कोई चीज़ आती जाती रहती है मोस्ट ऑफन यूजड इन रेफरेंस टू गोस्ट लेकिन इस पॉइम में जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है इट हैज़ बिन स्पेसिफिकली यूज विद रेफरेंस टू गोस्ट ऐसी जगह जहाँ पर बूथ प्रीत आते हो या वो डरावनी या सुनसान जगह जो कहीं दूर डरावनिया सुनसान जगह होती हैं किसी जंगल में या कहीं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं हो तो यहाँ पे ये उसी से मुराद है क्योंकि ये जो ब्रुक है वो जो हमने पॉइम पढ़ी इसकी जो शुरुआत होती है वो इसी जगह से होती है आई केम फ्रॉम द हॉटस ऑफ कूट एंड हॉर्न मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर वोट फ्राम द हॉट ऑफ कूट एंड हॉर्न मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर वो कूट और हॉर्न है जो वो वाटर बर्ड्स होते हैं तो वहाँ से इस ब्रुक की इस नदी की शुरुआत होती है तो हॉट ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर अक्सर लोग आते जाते रहते हैं लेकिन यहाँ से इससे मुराद हैं डरावनी सुनसान जगह या भूत प्रीतों की जगह है दैन देर इज कूट एंड हरन दैट आर वाटर बर्ड्स वो आभी परिंदे हुए हैं जिनका यहाँ पे नाम आया है दैन देर इज द थर्ड वन सैली सैली मीन टू रश टू इशू फोर्थ सडनली बड़ी तेजी से चलना या बड़ी तेजी से निकलना तो जैसे कोई चीज़ सरक रही हो या जैसे कोई चीज़ भाग रही हो सडनली रशिंग फोर्थ आगे की तरह बिल्कुल तेजी से भागना जैसे पानी जो कहीं पहाड़ से नीचे आता है तो वो बड़ी तेजी से आता है उसमें एक रश होता है बेकर मीनस टू तो मूव क्विकली विद अ पैटरिंग नॉइज़ मूव करना आगे चलना जो ये नदी होती है इसका यहाँ पर जिक्र आया है विद अ पैटरिंग नॉइज जिसमें एक पैटरिंग नॉइज़ हो जिसमें एक खास वो तकरार सी आवाज़ सी बन जाए एक म्यूजिक से आ जाए रिज मीन्स ए हाई एज अलॉन्ग ए मोटेन जो पहाड़ी के साथ में एक वो रिज होती हैं एक दरार सी होती हैं जो पहाड़ियों के दरमियान वो गैप्स होती हैं तो उसका यहाँ पे ये रिज उसी चीज़ को कहते हैं थॉर् मीनस गांव तो ये ओल्ड इंग्लिश में ये वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल होते थे जो ये थॉर्प हैं शार्प एंड ट्रिपल लाउड एंड लो साउंड ऑफ़ म्यूज़िक जो म्यूज़िक की वो कहीं ज़्यादा आवाज़ आए और कहीं नीचे तो यहाँ पे ये जो पानी के चलने की आवाज़ है इस नदी के चलने की आवाज़ जस्ट लाइक सिंगिंग साउंड जैसे वो कोई सिंग कर रहा हो और कोई गा रहा हो और उसकी आवाज़ ज़्यादा या कम हो रही हो तो एडिंग बेस मीन्स बेस फुल ऑफ वरलपुरु जो वो बावर से बन जाते हैं इस नदी के कहीं जहाँ पानी रुक जाए और पानी जमा हो जाए तो उसमें वो बावर सा बन जाता है अगर जा उसमें कोई चला जाए तो उसमें डूब जाएगा डेक्स जो वो किनारे होते हैं इसके फ्रेट फ्रेट मीन्स टू वेर अवे जैसे थक जाना जब कोई थक जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है यहाँ पे मुराद है जब ये नदी कहीं पे जब इसका पानी का बहाव रुक जाता है तो जैसे इसका पानी जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है जैसे ये थक गई हो चलते चलते तो फॉरो मीनस अनप्लॉर्ड लैंड ऐसी जमीन जो बंजर जमीन हो जो वैरान हो जिस हल नहीं जुता गया है जिसपे कोई फसल नहीं बोई गई है दें देर इज द फोरलैंड फोरलैंड मीन टिनी कैप नदी का वो मोड़ जहां वो टर्न लेती है तो यहाँ पे इससे मुराद है पीस और पॉइंट ऑफ लैंड एक्सटेंग द इन टू सी और लेक पैन सोला जहाँ पे नदी का पानी जमा हो गया और वो पानी वो नदी वहाँ पे खुली हुई हो वो उसकी जो वृत हो उसकी जो ब्रेड्थ हो वो ज़्यादा हो उससे ये भी मुराद है शैटर मीनस टू पॉस विद नॉइज चहचहाना या शोर करना तो वो साउंड जो जानवर खासकर निकालते हैं बर्ड्स तो उसको चैटर कहते हैं दैन देयर इज़ वाइड अबाउट वाइड अबाउट मीन्स टू मूव इन अ करवड वे कहीं पे मोड़ मोड़ना जैसे नदी बहुत सारी जगहों पे मोड़ मोड़ती हैं कर्वज में चली जाती हैं लास्टी मीन्स एट्रैक्टिव या स्ट्रांग वो चीज़ जो बड़ी स्ट्रांग हो बड़ी ताकतवर हो या अट्रैक्टिव हो जो हमको अपनी तरफ खींच लाए ग्रैलिन मीन्स अ ट्राउट हैविंग अ ब्रॉड फिन ये ट्राउट जो मोस्टली होती है उनकी एक किस्म है जिसकी जो फिन होते हैं पार होते हैं वो बड़े ब्रॉड होते हैं बड़े खुले हुए होते हैं ग्रेवल मीनस बजरी स्माल स्टोन ऑफ़न यूज टू मेक द सरफेस ऑफ पॉथ्स एंड रोड्स छोटे छोटे वो कंगर वो बजरी जो रास्तों या जो रोड्स बनाते हैं उनमें वो इस्तेमाल होते हैं स्टील मीन्स यहाँ पे जो इससे मुराद है इट इज़ नॉट स्टील चोरी करना टू स्टील समथिंग नो टू मूव क्विकली बड़ी खामोशी से चलना या सिरक जाना इसको स्टील कहते हैं जो पानी कहीं पे वो सिरकता है जैसे वो आ, वो खिसकता है तो उसको यहाँ पे स्टील कहते हैं दैन देयर इज द हेज़ल हेजल ए स्मॉल ट्री दैट प्रोड्यूस नट्स वुड्स और बुशेस कोई जो छोटा सा ट्री हो है, जो नट जैसे वो होते हैं या वुड लकड़ी या बुशेस तो उस तरह का ये पेड़ होता है ग्रोम मीन्स टू ग्रो डार्क गहरा हो जाना काला हो जाना जैसे कहीं कहीं पे जो ये पानी होता है ये जमा होता है और वहाँ उस पर जो कलर होता है वो गहरा हो जाता है या उसका जो वो डार्कनेस में आ जाती हैं गहराई इसमें आ जाती हैं ये वो कालापन आ जाता है गलानस मीन्स टू प्रोड्यूस स्मॉल ब्रिज फ्लैश ऑफ लाइट वो जब वो सन लाइट इस पानी पर पड़ती हैं तो उसमें से वो किरने निकलती हैं जैसे ये वो जलक दिखाता है या नज़र डालना जस्ट लाइक दैट तो गलानस से वो भी मुराद हैं नेटल मीनज लुकिंग लाइक मैशिस जैसे कहीं जाला डाला गया हो या वो जाल सा बुना हुआ हो नैटड तो ब्राम्बली मीन फ्लॉफ तौरस वो जगह जो कांटू से बिल्कुल भरी हुई हो जहाँ कांटे ही कांटे हो शिंगली बॉर्स मीनस पेबल्स एंड सैंड हंडरिंग द फ्लो जो इस नदी के कहीं कहीं के पीबे वो रेत और जो वो कंकर जमा होते हैं जिससे ये पानी का बहाव कुछ देर के लिए रुक जाता है जैसे ये ठहर सा जाता है दैन देअर इस क्रैसिस क्रैसिस मीन स्मॉल प्लांट्स विथ इन स्टम्स एंड वेरी स्मॉल लीव्स ये एक छोटा सा पौधा होता है जिसका जो सिटम होता है वो बड़ा पतला होता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं ये जैसे वो पालक जो होता है उसकी एक किस्म है तो ये इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं इस पॉइम में इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसकी समरी है पोइम की वो क्या है शायर क्या कह रहा है इस पॉइम में द पॉय द ब्रुक इज़ रिटर्न बाई लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ये जो पॉइम है आपकी द ब्रुक ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है टेनिसन विक्टोरियन ऐज का बड़ा मशहूर था टेनिसन था ब्राउनिंग था या जो दूसरे इसके साथ शायर थे तो विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोिया टू रूल ओवर इंग्लैंड उस टाइम का ये शायर है इन द पॉइम द ब्रुक न टेल अबाउट जर्नी ये जो पॉइम है जिसमें ये ब्रुक ये छोटी सी नदी जो है ये अपनी कहानी बयान कर रही है तो जाहिर में तो ये नदी अपनी कहानी बयान कर रही हैं जो इसका लिटरल मीनिंग है या जो इसका डेनोटेशनल मीनिंग है पॉइम का लेकिन अगर हम इसके जो सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो देखेंगे तो असल में ये द पॉइम हैज़ अ डीप सिंबॉलिक मीनिंग एज इट डिपेक्ट ह्यूमन लाइफ इन रियाल्टी ये इंसानी ज़िंदगी का सफ़र फ्राम चाइल्डहुड और फ्राम बर्थ टिल डेथ वो चीज़ शायर यहाँ पर बयान कर रहा है इस पॉइम में अगर हम इसकी जो सिम्बोलिक मीनिंग देखेंगे तो उस चीज़ को वो दर्शाती हैं जो ये पॉइम है क्योंकि ये जो नदी है इसका भी जो सफ़र है वो एक जगह शुरू होता है और फाइनली इसका जो एंड होता है व्हेन इट मीट्स द रिवर ब्रिमिंग रिवर जब वो जॉइन करती हैं दरिया से तो इसका जो पानी है वो उसमें चला जाता है और इसका एंड हो जाता है तो वैसे ही इंसान की जो डेथ हो जाती है तो उसकी लाइफ का भी एक एंड हो जाता है द ब्रुक स्पीक्स अबाउट इमरजेंस फ्राम अ मोटेन एंड रिजॉर्ट ऑफ वाटर बर्ड्स ये जो ब्रुक है ये अपनी जो स्टोरी शुरू करता है है, अपना जो नरेटिव बयान करता है कि मेरा जो आगाज हुआ मेरा जो मेरी जो शुरुआत हुई फ्राम वायर आई फ्रॉम फ्राम अ मोटेन एक पहाड़ से एंड रिजॉर्ट ऑफ वाटरबर्ड्स और उस जगह से जहाँ पे वो आबी परिंदे आते जाते रहते हैं देट मीन्स फॉरेस्ट जंगल जैसी कोई जगह तो वहाँ से ये शुरू होता है जहाँ पे ये पानी इस नदी का आगाज़ होता है फ्राम ग्लाशियर्स एंड अदर इट्स स्पार्कल एंड शाइनज एमंग दर्न जो फ़ोर्न होते हैं जो साथ में इसके वो पौधे होते हैं छोटे छोटे या वो झाड़ियाँ होती हैं तो उनमें ये चमकता है एंड शाइनस ड्यू टू द सनलाइट जब सनलाइट इस पर पड़ती है दैन द ब्रुक फ्लोज डाउन द दिल इंटर वैली विद टर्बुलेंट फ्लो फिर एक वक्त आता है कि ये जो ब्रुक है ये बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा होता है वैन इट कम्स फ्राम हिल्स जब वो पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये ह्यूमन लाइफ के, के बारे में बताती है जब इंसान की जवानी का वक्त होता है वैन इट इज़ द टाइम ऑफ ऑनज़ यूथ ऑफ़ वन इज़ प्राइम एज जब आपकी ज़िंदगी में जवानी का वक्त होता है या जब आप अपनी प्राइम पे होते हैं जब आपकी एज होती है तो उस चीज़ को ये बयान कर रहा है यहाँ पे इस ब्रुक सिम्बॉलीफ़ाई करता है दैन इट फ्लो पॉस्ट हिल्स फिर वो पहाड़ियों से गुजरता है रिजस जो वह द्राड़े होती हैं बिटवीन द माउटेंस गैप्स होती हैं विलेज़ गाँव से अ टाउन एक टाउन से भी होकर गुजरता है एंड अंडर मनी ब्रिज और बहुत सारी जो ब्रिज़ज़ हैं जो साथ में जो वो पुल आते हैं तो तो उनको भी ये क्रॉस करता है एक्चुअली दीज थिंगज़ डिपिक्ट द वेरियस इवेंट्स दैट वन हैपनजनज़ इन दैट इन ह्यूमन लाइफ असल में ये जो चीज़ें हैं ये हिल्स रिजज वलेज टाउन अंडर मनी ब्रिजस तो ये चीज़ें एक ह्यूमन के बारे में बताती हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे इवेंट्स आते हैं अलग अलग चीज़ें आती हैं कभी वो खुश होता है कभी उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कभी उसकी लाइफ स्लो डाउन हो जाती है कभी वो स्पीड अप कर जाता है कहीं कहीं वो, वो प्रोग्रेस करता है और कहीं पर पे पे वो डिक्लाइन में चला जाता है तो ये जो ब्रिज ये जो स्ट्रीम ये जो ब्रुक अपनी कहानी बयान कर रही है ये ह्यूमन लाइफ के बारे में एक्चुअली है दैन द ब्रुक फ्लोज थ्रू द फील्डस एंड मीनर थ्रू द प्लेंस फिर जो ये ब्रुक है नदी है ये फील्ड जो खेत होते हैं उनसे भी गुजरती हैं एंड मीनस थ्रू द प्लेंस और कहीं कहीं वो प्लेंस जो मैदानी इलाके होते हैं जो वादियाँ होती हैं उनसे भी होके गुजरती हैं एज द ब्रुक

रुक सी जाती हैं उसमें एक स्लो डाउन आ जाता है अभी वो उसमें वो रफ्तार नहीं रहती हैं जैट व्हेन इट वाज कमिंग फ्रॉम दो वेरी मोटेन जब वो पहाड़ों से निकलता है तो दैट मीन्स इंसान की जो ओल्ड एज आ जाती है ओल्ड एज के जब वो नज़दीक आ जाते हैं तो उसमें वो फुर्ती वो एक्टिवनेस वो वाइब्रेंसी नहीं रहती हैं ही गोट स्लो डाउन ही गोट लेज़ी इट बिकम्स कॉम एंड क्वाइट अब ये खामोश हो जाता है अब उसमें वो शोर नहीं होता है जब वो पहाड़ियों से नीचे आ रहा होता है ये पानी एंड क्वाइट बिल्कुल शांत तो हो जाता है ये इंसान के बारे में वन यू गेट इन मिडल एज जब इंसान uh, इंसान जब मिडल एज में पहुँच जाते हैं तो उसमें ये चीज़ें पैदा होती हैं वो काम और क्वाइट नैस उसमें ज़्यादा आती हैं एंड दैन इट पोर्ज़ इट इज़ वाटर इन टू द ओवरफ्लोंग रिवर फाइनली जो इसका एंड होता है इस uh, ब्रुक का इस नदी का कि कब ये इस दरिया को ज्वाइन करे तो फाइनली ये जो अपने मकसद होता है जो इसका एंड होता है जो इसका जो कंक्लूजन होता है वो ये होता है दैट इट जॉइन दैट वेरी ओवरफ्लोइंग रिवर ये उस ओवरफ्लोइंग रिवर जो वो पानी बड़ा दरिया होता है उसके साथ ही जॉइन कर जाती है और इसका पानी उसमें बिल्कुल ये एड होके ख़त्म हो जाते हैं इसकी अपनी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है उसका उसी के साथ ही मिल जाती है दैट मीनस वैन वही डाई जब हम मर जाते हैं वैन जब हमारी ज़िंदगी का अख्ताम होता है तो ये उस चीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है सिम्बॉलीफ़ाई कर रहा है है तो ये थी उसकी समरी जो पॉइम थी ब्रुक बाय अल्फ्रो टेनिसन ये बड़ी मख्तसर सी दी गई है इसको पॉइम जो है वो मैंने आर पढ़ाई है वो आप उससे भी समझ सकते हैं सो डियर व्यूअर्स आज के वीडियो में हम uh, इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं और दूसरी जो इसके लैंग्वेज वर्क एंड अदर थिंग्स वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी इजाफा हो रहा है तो चैनल को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए व्यू दे ताकि जो और आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक देख सके वो भी आप तक पहुंच सके और जो क्लास एट्थ और दूसरे क्लासेस हैं नाइन्थ टेंथ अलवेंथ ट्वेल्थ उनके पूरे लिस्ट मैंने बनाए हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी लेसनज़ जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं और भी काफ़ी हैं उन जो एक्सप्लेन हैं जिनको इन उनको भी देखेंगे तो चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें व्यू दे और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है विश यू ऑल द बेस्ट हैव ए वेरी ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू